आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने गांव में रहने वाली महिलाओं के बारे में सोचा, उनके लिए काम किया। उज्ज्वला योजना का सबसे ज्यादा फायदा गांव की महिलाओं को हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय, उसका भी सबसे ज्यादा गांव की महिलाओं की जिंदगी से मुश्किलों को कम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने गांवों में जो 1.5 करोड़ घर बनवाए हैं, हमने नियम बनाया है कि नए घर पर पहला हक महिलाओं का होगा, इसलिए घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के ही नाम हुई है। मिशन इंद्रधनुष के तहत जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए जो टीके लगाए जा रहे हैं, उसका लाभ भी गांव की महिलाओं को सबसे ज्यादा हुआ है। राष्ट्रीय पोषण अभियान का भी सबसे ज्यादा लाभ गांव की महिलाओं को हो रहा है। हमने जो जनधन योजना के तहत बैंक खाते खुलवाए, उसमें भी गांव की महिलाओं ने करोड़ों की संख्या में अपने बैंक खाते खुलवाए हैं। इतना ही नहीं, आशा और एएनएम बहनों के जो वेतन में वृद्धि हुई है, जो उन्हें मुफ्त सुरक्षा बीमा दिया कवच दिया गया है, उसका भी सबसे ज्यादा लाभ गांव की महिलाओं को हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत बड़ी संख्या में गांवों में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, जिसकी वजह से गांव की महिलाओं का जीवन आसान हुआ है और उन्हें सुरक्षा भी मिली है।